आज रीना रसोई में एक हेल्दी रेसिपी है जिसका नाम है मूंग दाल की टिक्की। ये कैसे बनती है आइए चलकर देखते हैं रीना रसोई में। आधा कप हमने मूंग की दाल ली थी और 2 चम्मच चावल। इसको 1 घंटे पहले हमने पानी में भिगो दिया था। 1 घंटे बाद हमने इसको पानी से निकाल लिया है। 2-3 पानी से खूब अच्छी तरह से हमने इसको धोया था। अब 1 घंटा हो गया है, देखिए दाल भी पूरी तरह से फूल गई है। मूंग की दाल है, बहुत जल्दी फूलती है। एक हेल्दी स्नैक्स बना रहे हैं। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस पर। अब इस मूंग दाल को हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे। कोशिश करिएगा पानी का बिल्कुल प्रयोग मत करिएगा। ये देखिए दाल चावल का पेस्ट कितना अच्छा सा बनकर तैयार हुआ। ये देखिए इस तरह से चिकना होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा चिकना नहीं पसंद है तो आप थोड़ा सा दरदरा भी कर सकते हैं। आधी कटोरी मूंग की दाल थी, 2 चम्मच चावल था। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। हमने इसमें बिल्कुल पानी का प्रयोग नहीं करा है। अब सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच पिसी खटाई, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। आप इसकी जगह पर हरे मिर्चे का भी प्रयोग कर सकते हैं, महीन महीन हरा मिर्चा डालकर भी बना सकते हैं। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जरा सी हमने शिमला मिर्च को महीन महीन काट लिया है, थोड़े से प्याज को लिया है, आधा प्याज है ये, क्योंकि हम बहुत ज्यादा नहीं बना रहे हैं इसलिए हमने थोड़ा सा प्याज लिया है, और 1 गाजर लिए, एक छोटी सी गाजर थी इसको हमने कद्दूकस कर लिया है, आधा चम्मच नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल रहे हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। हरी धनिया भी अगर आपके पास है तो इस समय आप हरी धनिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। सब चीज हमारी देखिए अच्छी तरह से मिल गई है। अब इसमें हम थोड़े से करी लीव के पत्ते काट के डालेंगे, क्योंकि समूचे बड़े बड़े डालती है तो सब लोग बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से आप महीन महीन काट के डालेंगी तो कोई भी बाहर नहीं जाएगा और इसका फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आएगा। एक पैन चढ़ाया है, इसमें हमने 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है। अब इसकी हम बैटर की छोटी छोटी टिक्की बना कर तैयार करेंगे। आपको छोटी बड़ी जैसी भी चाहिए उस तरह से बना सकते हैं। अब इस तरह से हम ये देखिए इस तरह से सारी टिक्कियां हम बनाएंगे। एक बार में जितनी आपकी आ जाए उतनी बनाइए और थोड़ी देर इसको पलटिएगा नहीं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और हेल्दी भी बहुत होती है। और देखा आपने बनाना भी कितना आसान है। आपको बिल्कुल दाल आप पहले से भी पीस के रख सकती हैं। हमने चावल इसलिए डाला था जिससे टिक्कियां जो है हमारी बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी, इसलिए हमने 2 चम्मच चावल डाला है। आप 2 चम्मच सूजी का भी प्रयोग कर सकती हैं। ये देखिए आंच को हमने मध्यम रखा था, एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। इस तरह से आराम से इनको टर्न करिएगा। ये देखिए एक एक तरफ से ये दोनों गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। इस तरह से हमको करना, ये कितने कम ऑयल में हम बना के दिखा रहे हैं। ये रेसिपी आप आसानी से बना सकती हैं। इसमें कोई वैसी चीज भी नहीं है जो कि आपको नुकसान दे हो। आप इसको बनाकर चाय के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। ये देखिए एक तरफ से सब गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और अब दूसरी तरफ से कर रहे हैं। इसको टमाटर की चटनी, नारियल चटनी, हर चटनी के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। आँच को तेज मत करिएगा, नहीं तो ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से बढ़िया नहीं बनेंगी, इसलिए इसको थोड़ी धीमी आँच पर पकाइएगा। इसको पकाने में मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेगा। हमारी हेल्दी मूंग दाल की टिक्की बनकर तैयार हो गई है। अब इसको हम सर्व करेंगे। देखिए दोनों तरफ से कितनी बढ़िया गोल्डन ब्राउन होगी। सर्व करने के लिए हम इस तरह से इसको
एक एक टिक्की को निकालकर प्लेटिंग करेंगे। हमारी मूंग दाल की हेल्दी टिक्की बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। इसी तरह की बढ़िया बढ़िया हेल्दी रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।